फ्रेंड्स वेलकम टू टेक एंड टेक स्टडी। मेरा नाम है राहुल डंडोतिया और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो लास्ट ईयर का सब इंजीनियर व्यापम का पेपर यानी कि सिविल इंजीनियर का। ओके, ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये पेपर जो 9 जुलाई को हुआ था सेकंड शिफ्ट में यानी कि 2 बजे 2 PM। ओके, सो नाउ मैं क्वेश्चन बताता हूँ सिविल इंजीनियर के। फर्स्ट क्वेश्चन था कि गंटर चेन इज आल्सो नोन एज, गंटर चेन को क्या बोला जाता है। देखो इसको मैंने अभी ही वीडियो में बताया कि गंटर चेन कितने फीट की होती है, ये पूछा सकता है इस साल। तो 66 फीट की रहती है, 100 लिंक रहते हैं। तो जो मैंने वो बताया भी था कि जो चेन होती है 5 टाइप की होती है, तो सारा बताया था कि बैंड चेन, इंजीनियर चेन, सर्वे चेन, रेवेन्यू चेन, ठीक है, और गंटर चेन। तो गंटर चेन तो पता आपको, सर्वे चेन और गंटर चेन ये सेम होता है, सर्वे चेन और गंटर चेन, यानी कि पाँच ये कह सकते हैं कि एक मैट्रिक चेन भी होती है, ठीक है। तो इसको गंटर चेन को क्या बोला जाता है, सर्वे चेन। अब वीवी जो टेस्ट होता है तो वो मैंने बिल्डिंग मटेरियल में बता दिया है। बिल्डिंग मटेरियल मैंने, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बिल्डिंग मटेरियल की सारी वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें सारा बता दिया मैंने। तो वीवी जो टेस्ट है कंसिडर यूज टू फाइंड, तो वर्केबिलिटी इसमें ये फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है फ्लो नेट ऑफ द मेवी यूटिलाइज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, फ्लो नेट का उपयोग निम्न के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो वो सिंपल सभी के लिए, सीवेज ओनली या एग्जिट ग्रेडियंट ओनली या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओनली, तो ऑल ऑफ एवो इसका आंसर। नेक्स्ट है इन पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब में वेलोसिटी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूड एट एनी पॉइंट इन अ पाइप इज गिवन, तो सिंपल इसका ये फॉर्मूला है, तो वो है वी इज इक्वल टू सी वी रूट में 2gh। तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट है ट्रेपेजोइडल चैनल, एक ट्रेपेजोइडल चैनल है जो कि व्हाट इज द कंडीशन टू गिव द डेप्थ ऑफ द फ्लो ऑफ कॉन्स्टेंट, तो यानी कि इसका भी एक जो कि फॉर्मूला पुट होता है, तो वो देन जैर इज इक्वल टू 1√3 एंड थीटा इज इक्वल टू 60। सो इसका दिस इज इसका आंसर, ठीक है, 3 इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप ए व्हील व्हिच इज प्रोवाइडेड विद अ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स और वेंस इज क्लासिफाइड एज, यानी कि अब केंद्रीय पंप में जिसमें श्रृंखला में पश्चगामी वक्र फलक या वैन प्रदान की जाती है, तो वो एम्पलर में वर्गीकृत किया जाता है। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबल फायर रेजिस्टेंस बाय, तो वो है कोटिंग विद अ तार पेंट, तार पेंट की कोटिंग होती है, तो वो टिम्बर पे क्या कहते हैं बनाया जाता है, टिम्बर कैन बी मेड बनाया जाता है रीजनेबल फायर रेजिस्टेंस। ओके, सो इसका आंसर क्या था, सेकंड। नेक्स्ट ए रियल फ्लूड इन विच द सीयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन इज नोन एज, तो न्यूटन फ्लूड बोला जाता है। ए स्पेसिफिक स्पीड वेयरिंग फ्रॉम 8.5 to 30 इन टर्बाइन इज क्लासीफाइड एज पैल्टन व्हील। तो यार ना मैंने न्यूमेरिकल इसलिए नहीं बता रहा, तो आपको मैं ये पेपर इसलिए लेके आ रहा हूँ, उसमें पता चल जाए आपको किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी बेसिकली इसमें थ्योरेटिकली काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 90% 92% थ्योरेटिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल बहुत ही बहुत मिनिमाइज आते हैं, यानी कि मैक्सिमम 10। तो बॉडर्स माउथ पीस इज नोन एज, बॉडर जो माउथ पीस है क्या बोला जाता है, वो है री इंट्रेंट। हाँ मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं ऐसे आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्ट या फिर डिटेल में, फिर टाइम लगेगा, इसलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे जितने भी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। इस पर आई एस 800/1984 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ वी 10 कॉलम शुड बी इंक्रीज्ड बाय, तो 10%। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चर द पग मील इज यूज्ड इन विच द फॉलोइंग ऑपरेशन, तो टैंपरिंग, जो पग मील है यानी जब ब्रिक बनता है तो वो पग मील है, तो उसमें वो क्या करता है, वो टैंपरिंग करता है, ठीक है। एंड डबल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, वो अभी बिल्डिंग मटेरियल का था, ये अपना RCC का रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट, तो डबल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन बीम, तो सिंपल ऑल ऑफ एवन, टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन बीम, तो इसमें डिफ्लेक्शन बीम की डिफ्लेक्शन कम करता है, तो रिड्यूस द टॉर्जन मूवमेंट कम करता है, डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज रोकता है, ठीक है। तो वो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ लिंसिड ऑयल एंड वेटिंग चौक इज अ वाइटिंग चौक इज अ यूज फॉर फिक्सिंग ग्लास पैनल्स, तो वो क्या बोला जाता है, पुट्टी,
ठीक, असली तेल पुट्टी आपको पता है हर घर में यूज़ होती है। नेक्स्ट इज टू गेट अ वेल, टू गेट अ वेल कंडीशनल ट्रायंगल, नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री। व्हिच डिवाइस यूज टू मेजरिंग द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूड थ्रू अ पाइप, तो वो है वेंचुरी मीटर। विच टाइप ऑफ डोर इज सुइटेबल फॉर कंटिन्यूस हैवी रश ऑफ ट्रैफिक परसिस्ट, तो वो है रिवॉल्विंग डोर। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन करेक्ट, कौन सा इनमें इनकरेक्ट है, डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट, तो वो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज टू बी कंसिडर्ड, बाकी सारे करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सिंपल है वो है कोहिजन ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन कोहिजन ऑफ क्ले, यानी कि ये सारे करेक्ट है, थ्री थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ, कोहिजन इज ग्रेटर देन ग्रेटर इन वेल कॉम्पेक्शन क्ले, कोहिजन इज, ये अपना सॉइल मैकेनिक्स का है, जो कि मैंने सॉइल मैकेनिक्स के काफ़ी पार्ट है 11 या 12, तो आप उसमें से देख सकते हैं, मैं सारा बता दिया मैंने ये। इफ 20 चेन इज यूज टू सेट आउट 4 कर्व, देन द रेडियस कर्व इज, तो वो है 286.5 मीटर। If the bearing of the line AB is measured from B towards A, it is known as, इसको बोलते हैं back. Curing the compound are made with the basis of which of the following? इसका आंसर all of above, यानी कि 8 second. The total latitude or departure, ये अपना आता है serving में, latitude departure of any point the respect common origin is called the independent coordinate. द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूड, ठीक है, रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूड इज नोन एज, क्या बोला जाता है, तो मास डेंसिटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, द फ्लो एट विच द डेप्थ इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज, तो वो है सब क्रिटिकल फ्लो। द नेक्स्ट इज द क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट सर्फेस अडॉप्टेड इन मैकेडम रोड, तो 1:36 the total area of floor in between walls and consists of floor of all rooms, veranda, passages, corridors, staircase, entrance hall, kitchen, store, bath and latrine is known as floor area. The horizontal angle between the true meridian and magnitude, ये भी serving का है जो मैंने बता दिया है, इसके भी आप playlist में जाके देख सकते हैं, तो वो magnetic declination, अभी मैंने जो पार्ट मैंने बताया है तो वो फंडामेंटल और लीनियर मेजरमेंट के जितने भी सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, थ्योरी बता दिया है, अब मेरा यही बताऊंगा सर्विंग, तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन आता है कंपास सर्विंग में आता है, ठीक है, इसमें ट्रू मेरिडियम, मैग्नेटिक मेरिडियम, मेरिडियम क्या होता है, तो इस सब बताऊँगा मैं, सो इसका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, द शार्पनेस ऑफ कर्व इज डिजाइनेटेड बाय इट्स द डिग्री ऑफ कर्व, द फ्लैंज विद आइसोलेटेड टी बीम इज, तो सिंपल है उसका, इसका आंसर है, ठीक है, एल नोट 0 L/LB + 4 + BW, सो ये 30 क्वेश्चन मैं अभी लेके आया हूँ, और यानी कि 100 क्वेश्चन है, तो मैं 30-30 करके ऐसे लेके आऊँगा, सो अभी मैं आपको 50 क्वेश्चन में लेके आता हूँ, 50 क्वेश्चन। The intersection of the curved surface with a plane passing through the center of the earth will form a line continuous around the earth and that portion of line is called, तो वो लेवल बोले जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठ का पृथ्वी के केंद्र से गुजर रहे समतल के साथ प्रतिच्छेदन पृथ्वी के चारों ओर एक संगत रेखा बनाएगा, जो रेखा का वो भाग है वो लेवल कहा जाता है, वो भी अपना सर्विंग का आता है। द स्काई लाइट आर यूजली प्रोवाइडेड फॉर, तो वो स्लोपिंग सरफेस ऑफ द पिचेस रूफ, ठीक है, ये आई थिंक एनवायरमेंट में आ सकता, हाईवे में आता है, सॉरी, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉच ऑफ द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर एंड HFL इज नोन एज, तो वो फ्री बोर्ड बोला जाता है इसे। द एक्चुअल अमाउंट इनकरेक्ट इनक्यूड इन प्रोसीडिंग ए कॉमोडिटी विच हैज़ कम वैल्यू इज कॉल्ड, तो कॉस्ट, ये CPM में आता है, ठीक है,
द रोड इंटरसेक्शन वेयर ऑल कन्वर्जिंग व्हीकल्स आर फोर्सेस टू मूव अराउंड ए लार्ज सेंट्रल आइसलैंड इन वन डायरेक्शन बिफोर दे कैन वीव आउट ऑफ ट्रैफिक फ्लो इन टू देयर रेस्पेक्टिव डायरेक्शन रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल आइसलैंड इज कॉल्ड. तो सिंपल है इसको, तो ये अपना है रोटरी इंटरसेक्शन बोला जाता है. तो वो डेफिनेशन में थोड़ा आप कन्फ्यूज होना, बट रोटरी इंटरसेक्शन आपको पता क्या होता है, ये रोटरी इंटरसेक्शन है जो चौराहे बोलते हैं, चौराहे में इंटरसेक्शन होता है, तो उसी चीज़ को रोटरी इंटरसेक्शन बोलते हैं. रोटरी मीन्स घूमने का, तो अब चौराहे और चारों तरफ ये होती है रोड होती है, तो वो रोटरी इंटरसेक्शन बोला जाता है. तो सिंपल है क्वेश्चन ये, रोड जो इंटरसेक्शन है वेयर जो ऑल जो कवरिंग व्हीकल करता है फोर्स मूव अराउंड अराउंड ए लार्ज सेंट्रल आइसलैंड, लार्ज सेंट्रल आइसलैंड जैसा है ठीक है, इन वन डायरेक्शन, इन अ वन डायरेक्शन बिफोर दे कैन व्यू आउट ऑफ ट्रैफिक फ्लो रेस्पेसिवली डायरेक्शन रेडिएशन फ्रॉम द सेंट्रल आइसलैंड. तो वो सिंपल है, वो उसको रोड इंटरसेक्शन ही बोला जाता है. ये अपना हाईवे में आता है. द लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्रेम इज कॉल्ड, तो स्वाय बोला जाता है. द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ये भी हाईवे में आता है, ओवरटेकिंग जोन शुड बी 3 times ऑफ द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस. मैंने हाईवे की आप प्ले लिस्ट में जाके इसमें वीडियो देख सकते हैं, और भी मैं अपलोड करता रहूँ कंटिन्यू. द मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड सेल, तो ये स्टील में आता है, तो वो सिंपल है. 4 times द साइज ऑफ द वेल्ड, जो वेल्ड के 4 times साइज ग्रेटर है. नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द फ्लो, तो वो कंप्रेशन फ्लो इसका आंसर है. नेक्स्ट वाइल वाइल सबमिटिंग ए टेंडर, ठीक है, टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम अमाउंट विद द डिपार्टमेंट एज अ गारंटी ऑफ द टेंडर नोन एज, तो ऑनेस्ट मनी बोला जाता है. वाइल द एस्टिमेटिंग, ये भी एस्टिमेटिंग के क्वेश्चन हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. वाइल एस्टिमेटिंग फॉर प्लास्टरिंग यूजली नो डिडक्शन इज मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग All of above. What is the actual thickness of wall with 1 centimeter mortar joint for half brick? जो एक्चुअल थिक्सन रहती है उसमें 1 centimeter mortar joint रहता है और उसमें half brick, ठीक है, तो वो सिंपल है, वो 9 centimeter की थिक रहती है. तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पूछा जाता है, बिल्डिंग मटेरियल में या बिल्डर कंस्ट्रक्शन में. What is the ruling minimum radius of horizontal curve of the national highway? ये भी highway का है. इन अ प्लान टेरेन विद द रूलिंग डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर 360. वाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट कॉन्क्रीट, तो ये भी, ये तो अपना बिल्डिंग मटेरियल कह सकते हैं कॉन्क्रीट, यहाँ पर 8 cc में, तो बिल्डिंग मटेरियल में है, तो इसका आंसर अपना 3 आंसर है. वाट इज द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टीजेंसीज टू अलाउ द फॉर पैटी कॉन्टीजेंट चेंजेस इन द डिजाइन एंड चेंज इन रेट, 3% to 5%. वाट द फाइनल सेटेड टाइम ऑफ द रैपिड हार्डनेस सीमेंट, तो जो रैपिड हार्डनेस सीमेंट का जो फाइनल सेटेड टाइम कितना है, 600 मिनट, यानी कि 10 आवर है, वैसे तो एक ही बात है 10 आवर, तो इंटू 60 कर देते हैं, तो 600 मिनट पूछ जाता है, तो 10 आवर है इसकी, ठीक है. एंड वाट इज़ द विद ऑफ द कैरेज वे टू बी एडोप्टेड फॉर वन, ये भी ये हाईवे के हैं, तो हाईवे के आप देख सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं. एडोप्टेड फॉर 2 lane रोड विद रेस्ट कर्व, तो 7.5 meter. वाट इज़ द मेथड ऑफ द फॉर कैलकुलेशन द अर्थ वर्क इन द रोड एस्टिमेटिंग, योर एस्टिमेटर का भी क्वेश्चन है ये भी, तो वो ऑल ऑफ इसका आंसर है, यानी मिड सेक्शन एरिया, प्रिज्मॉइडल या मीन सेक्शन. नेक्स्ट वाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन वाटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट, तो वो है 2000 ppm. ए टाइप ऑफ वॉल विच कंसिस्ट ऑफ 2 separate वॉल्स नेमली आउट लीफ एंड इनर वॉल इज नोन एज, तो वो कैविटी वॉल बोला जाता है. तो मैं आपको ये 50 questions है, नेक्स्ट पार्ट में 50 questions और बताऊंगा, और आप प्लीज़ बताइए. तो मैं डिटेल में भी, मैं इसलिए डिटेल में नहीं ला रहा बिकॉज मेरे लेक्चर उसमें डिटेल में मैंने क्वेश्चन है उसमें सारी डिटेल बताई है, इमेजेस के साथ बताया है मैंने डाउट वगैरह सारा. तो इसमें मैं ये कि अब 50 questions है तो वो पता नहीं कितने, एक 50 questions आए थे 2 hours में समझा पाऊँगा पूरे कम्प्लीट जो है डिटेल में थोड़ा, इसलिए जल्दी जल्दी से बताने यार, मतलब पता चल जाए आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सो ऐसे आपको काफ़ी हेल्प होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.